बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आज जुमरात के दिन की ख़ास तस्बीह। गैब से आवाज़ आएगी, मांग लो आज जितना मांगना है। इस ख़ास वक्त हर दुआ आपकी इंशाल्लाह कबूल होगी। जुमरात का दिन वैसे भी ख़ास दिन होता है और इसका सबसे बेहतरीन ख़ास वक्त असर से मगरब के दरमियान होता है, और मगरब के बाद वैसे भी जुमा शब शुरू हो जाता है, और जुमे की घड़ियाँ वैसे ही सबसे अजीम तरीन घड़ियाँ हैं। और जुमे का दिन ऐसा दिन होता है कि इसके वक्त में दुआ कबूल होती है, यानी जुमरात के दिन मगरब के बाद से जुमे के दिन मगरब तक का जो टाइम होता है, इसके टाइम जो दुआ करेंगे कबूल होगी। लेकिन आज जुमरात के दिन का भी एक ख़ास वक्त आपको बतलाने लगूँ, और दूसरा आपको ऐसी दुआ बतलाने लगूँ कि जिसके बारे में हदीस शरीफ के अंदर आता है, इसके बाद जो मांगा जाए अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ख़ास अमल है। आप जो भी मांगना चाहें, दौलत, रेज, पैसा, सेहत, तंदुरुस्ती, प्यार, मोहब्बत, शादी, घर, गाड़ी, जो मांगना चाहें मांग सकते हैं। बीमारियों से, परेशानियों से निजात चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको निजात ज़रूर अता फरमाएगा। कौन सा अमल है इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा, और वक़्त कौन सा है कि जिस वक्त के अंदर ख़ास दुआ करनी है आपने, वो भी शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरोक मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यही हमारा एक फेसबुक का पेज है जिस पर इस वीडियो को बनाते हुए आप देखते हुए ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब फॉलोअर्स होने वाले हैं। यही हमारा एक फेसबुक पेज है, इसके अलावा हमारा कोई फेसबुक पेज नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे फेक बन चुके हैं, तो इसलिए मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ ताकि आप उन लोगों से महफूज रहें। तो आपने इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जुमरात वाले दिन शाम 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 4 बजे से लेके 6 बजे पर, 4 PM to 6 PM पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। बाहर रहने वाले जिस मुल्क में भी हैं, आप पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अपना टाइम सेट कर लें, यानी पाकिस्तान में 4 PM हो, आपके जो मर्ज़ी टाइम बज रहा हो, ठीक है, हो रहा हो, तो 4 PM से 5 PM का टाइम जो है, ये 2 घंटे, 6 PM का, ये 2 घंटे ऐसे हैं कि इस वक्त के अंदर दुआ कबूल होती है, हर मांगा हुआ अल्लाह ताला अता फरमाता है। और उसी पर हम वही वजीफ़ा करेंगे कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कलेमात कहे तो अल्लाह ताला उसको बख्श भी देते हैं, अगर कोई दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है, फिर अगर वुजू करके नमाज़ पढ़े उसकी दुआ भी, नमाज भी कबूल की जाती है। यानी इस अमल के बाद वो शख्स जो काम करता है अल्लाह ताला उसको शर्फ़े कबूलियत अता फरमाते हैं। कौन सा वजीफा शेयर करने लगाऊँ, अव्वल आपने 3 मरतबा पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, और ये पूरे दिन में भी कर सकते हैं लेकिन 4 से 6 के दरमियान आपने खसूसी होकर करना है। उसके बाद जब अमल हो जाए फिर 10 रुपये की मिट्टी टॉफ़ी या कुछ लेके आप तकसीम भी कर सकते हैं। अव्वल आकर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना, वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 179 मरतबा ये दुआ पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम रब्बिग़फिरली, ये आपने पढ़ना है। और इसी तरह हदीश में आता है कि जब इंसान रात को सोया हुआ है, यानी वो अपने नींद के अंदर है, सोया, अचानक से उसकी आंख खुली है, किसी भी वजह से आंख उसकी खुलती है, और वो आंख खुलते ही जब ये पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम रब्बिग़फिरली, तो अल्लाह ताला उस शख्स को बख्श देते हैं, और जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, और उसके बाद उठने के बाद जो नमाज पढ़ता है उसकी नमाज भी कबूल की जाती है। तो इसलिए इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, हर जुमरात को कम अज़ कम असर से मगरब के टाइम ज़रूर पढ़ें, या जो हम ख़ास वक्त आपको बतलाएँगे दुआ का उस वक्त के अंदर पढ़िएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलेंगे फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।